गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल बच्चे लोग? गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके चलो स्टार्ट स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक डायग्राम में ड्रॉ कर एक आपको प्रॉब्लम मालूम है, मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज करके एक प्रॉब्लम है। मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज, जरा प्रॉब्लम ढूंढो किधर है। लास्ट प्रॉब्लम क्या था? 110, उसके बाद 111 है। क्वेश्चन 111, एक नंबर में डिफर। कैन यू सी लोकेट दैट क्वेश्चन प्यारे बच्चों? विधि मिला है क्वेश्चन 111, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड। यहां से स्टार्ट होता मीटर स्टिक। मिला तो हाँ बोलो, किसी एक को भी मिला तो हाँ बोलो। अ मीटर स्टिक पेज नंबर 140, 134, 137, 130 के आसपास होगा। विधि यस सर, यू गॉट इट ना? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 140। अब मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। देखो मीटर स्टिक यानी क्या मतलब, एक मीटर लंबी स्टिक मतलब, यहाँ पे अगर 0 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा। ऑलराइट, नो ऑब्वियसली इट विल बैलेंस एट द सेंटर। किसी को अगर 100 मीटर स्टिक को तो यू नो सेंटर पे रखेंगे तो इट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल, इट विल नॉट फॉल डाउन। आगे क्या बोलता है? व्हेन टू कॉइंस ऑफ मास 5 ग्राम, 5-5 ग्राम के मास, यानी एक कॉइन यहाँ पे पकड़ लेते हैं 10 ग्राम की। एक्चुअली दो कॉइन है 5-5 ग्राम की, एक के ऊपर एक रखा है। नाइफ इज एट इट्स सेंटर, सॉरी, पुट एट द 12 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर मार्क था ना वहां पे, और ये दोनों का मिलकर कितना है? 10 ग्राम है। 10 ग्राम मतलब 10 इंटू जी डाइम्स। देखो एक बार ध्यान रखना, एम जी इज वेट। अगर एम ग्राम में है तो एम ग्राम इंटू जी दिस विल बी इन डाइम। जैसे 10 ग्राम इंटू 980 तो यह होगा 9800 डाइम, ये ध्यान में रखो। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे बट यू शुड नो इट फॉर योर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्यूचर स्टडीज। अगर किलोग्राम में होता ना, अगर 10 किलोग्राम की होती है तो 10 केजी इंटू क्या करते हैं 9.8, तो ये होता है 98 न्यूटन। वो सही ध्यान में रखो। अगर ग्राम में दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 980, सो इट विल बी डाइन न्यूटन। डाइन सुना होगा ना, एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन। तो यहाँ पे 10 जी डाइन लिखता हूँ, ज्यादा मगजमारी नहीं करते हैं। ये सपोज सेंटर है 50 सेंटीमीटर। ये लोग क्या बोलते हैं कि अभी उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्या मालूम 45 सेंटीमीटर मार्क पे, 45 सेंटीमीटर मार्क पे उसको बैलेंस करना पड़ता है, अपवर्ड ऐसे करना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक, मास ऑफ द मीटर स्टिक क्या होगा? मैं आपको प्रॉब्लम फिर से समझाता हूँ। एक मीटर स्टिक थी 100 सेंटीमीटर लंबी, मीटर यानी 1 मीटर ना, 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इट वाज बैलेंसिंग एट सेंटर, ऑब्वियसली बैलेंस क्या करेगा कोई मीटर स्टिक, यूनिफॉर्म मीटर स्टिक होगी तो सेंटर पे करेगा। अब क्या बोल रहे हैं लोग, 5-5 ग्राम की दो कॉइन, 5 ग्राम की दो कॉइन, एक के ऊपर एक रखी 12 सेंटीमीटर मार्क पे, तो मतलब टोटल मार्क 10 ग्राम, 10 × 980 9800 डाइन। मतलब मैंने 10 जी लिखा, जी बाद में कैंसिल होने वाला है, इसके लिए 10 इज ग्राम एंड जी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये डाइन हो गया। वो लोग बोलते हैं अब है ना इसको बैलेंस करने के 50 नहीं, इसको 45 सेंटीमीटर पे खिसकाना पड़ा। किसको? जो बैलेंस था, जो सपोर्ट था उसको 45 सेंटीमीटर पे। वो लोग बोलते हैं व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द मीटर स्टिक, मीटर स्टिक की मास क्या होवेगी? इज द प्रॉब्लम क्लियर और नॉट? खाली ये बोलो यस और नो, प्रॉब्लम क्लियर और नॉट प्यारे बच्चों? एक बार और रिपीट करूं कि क्लियर है? यस और नो? क्लियर ना? तो अभी मुझे खाली इतना बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये मास तो है ही नहीं पिक्चर में, मास कहां से आ गया? मास ऑफ द मीटर स्टिक पूछा है तो क्या करूं मास का? एनीवन?
If m is the mass of the meter stick, let us see छोटा m is the mass of the meter stick. तो ये कहाँ पे रखूँ? क्या करूँ इसका? Anyone who can tell me? बोलो बच्चों. ओ बच्चे लोग. m का क्या करूँ? m is the mass of the meter stick. Where should I do? What should I do? एक आ गया कहाँ से बीच में जबरदस्ती? Anyone who can give me some idea? Bhargesh, problem क्या है बता पहले. Bhargesh, problem क्या है? अरे Bhargesh, problem क्या है? हुसैन, problem बता क्या है? हुसैन. Yes, sir. हाँ. इस प्रॉब्लम क्या है बताओ? सर सर मीटर स्टिक ऑफ 100 सेंटीमीटर. हाँ. सर मीटर स्टिक ऑफ 100 सेंटीमीटर. सो सर सो द मास ऑफ दिस सेंटर इज 50 सेंटीमीटर एंड दे हैव टोल्ड टू बैलेंस इट ऑन 44 सेंटीमीटर. 45. Answer, there are 45 centimeter. Answer, there are two coins which are placed at 12 centimeter mark. Each of, coin is of mark 5 gram. Yes, sir. 5 gram. So what you have to find is what is the mass of the meter scale? Mass of the stick. Mass kya act karta hai? Mujhe batao. Mass kya act karta hai? Kisi bhi body ka mass acts where? Which the point? Center of mass. So can I say this mass will act here? Mass of the meter scale will act here. And if m is the mass of the meter scale, mg will be for weight, which will be not newton, but it will be in dynes because I'm taking m in gram. Not clear or clear? Bolo. Bolo. Clear. Let S be the point support karam. So can I say sum of the moment about support S equal to zero? Because moment about any point. Let me tell you, last time sirf vidhi ne na kaam kiya tha. I had told you ki mujhe A B C D E sab jagah point. Vidhi was the only one who gave all the calculation to me. Aur sabka answer 81/16 meter lai thi wo. Am I right, Vidhi? Vidhi? Yes, sir. And nobody else did that. Nobody else. Tum log self interest lo. Okay, chalo. Abhi iska moment kya hoga? 10 g ka moment. Moment is force into distance. Kitna hoga? 10 g ka moment. 10 g is the force. Mg is the force. Distance from S. Iska perpendicular distance from S kitna hai? Anyone? अरे फोर्स इनटू डिस्टेंस मोमेंट क्लॉक और एंटी क्लॉक. इसका फोर्स है 10 जी और डिस्टेंस कितना है उसका? डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? एस पी सपोर्ट पे ले रहे हैं हम लोग सर. 33 दैट इज राइट. 45 माइनस 12 लिखता हूं क्योंकि भाई बोल ही नहीं रहा है. आई एम नॉट लाइकिंग दिस पार्ट इक्वल टू ये एंटी क्लॉक वाइज तो आई एम राइटिंग इट एस प्लस. एंड व्हाट अबाउट क्लॉक वाइज मोमेंट? ये कितना है? Mg 10 का मोमेंट कितना है बोलो? इसका मोमेंट कितना है? इसका मोमेंट अबाउट एस. फोर्स इनटू डिस्टेंस सर. Mg हाँ Mg इनटू 50 माइनस 45. दैट इज राइट. लवली आंसर. एंड इट इज क्लॉक और एंटी क्लॉक विद दी? दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Equal to zero. So GG gets cancelled first of all. That is 10 into 33 equal to 5 into M. Therefore, 5 duni 10. So M ka answer is 66 gram. Matlab mass of the rod was 66 gram. That's the answer. So ek step ka problem hai kali. कितना डिफिकल्ट लग रहा था बट प्रॉब्लम में कुछ दम है ही नहीं.
इज द प्रॉब्लम क्लियर? कॉपी किया सभी ने? सभी ने कॉपी किया क्या प्यारे बच्चों? नो सर. ओके सर, माय नेट इज नॉट वर्किंग, आई कैन नॉट कनेक्ट टू द बोर्ड. मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन जहां तक हो सके अटेंड करो, प्रॉपरली ध्यान रखो. और क्या मैं बोलूं, मिटा दूं? मिटा दूं? Yes, sir. मिटा दूं? लोकेश के बाद क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसकी जगह छोड़ो. विधि जरा पढ़ के बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट प्रॉब्लम? द नेक्स्ट प्रॉब्लम की फर्स्ट लाइन क्या है? सर द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बी ऑफ यस उसकी जगह छोड़ दो. और फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग. देखो कितना डेंजरस लग रहा था प्रॉब्लम, वाज वेरी सिंपल. देखो प्रॉब्लम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग, देन आई एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड देन आई विल आस्क व्हाट द प्रॉब्लम इज. रिमेंबर पाइवोट यानी सपोर्ट, पाइवोट यानी सपोर्ट, वो ध्यान रखना. Diagram shows a uniform beam of length 10 meters, 0 meter or 10 meter, 10 meter lambi ek rod. Uniform beam used as a balance. The beam is pivoted at its center, center pe support hai. Okay. A 5 newton weight is attached to one end. We have to 5 newton weight. Okay. And an empty pan weighs 0.25 newton attached to the other end. Empty pan. Pan is the weight rakhne ki jo usko khali rakha hai wahan pe. Empty pan weighing 0.25 newton. Okay, iska bhi weight diya hai. What is the moment of couple at the pivot? Yahan pe pivot pe, ye P hai suppose. Pivot pe moment of couple kya hoga? ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में इफ द पिवट इज शिफ्टेड 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर पिवट को 2 मीटर, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर सेकेंड पार्ट करते हैं. देखो या आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, इसलिए ध्यान से सुनो. एक बीम थी 10 मीटर लंबी, उसको पिवट किया एट द सेंटर, सेंटर है 5 मीटर पॉइंट पे, मतलब यहां से 5 मीटर, ये यहां से यहां तक 10 मीटर है. एट वन एंड 5 न्यूटन का वेट लगाया, दूसरे एंड पे 0.25 न्यूटन का खुद का वेट है, पैन का वो नीचे है. हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस एंड दिस मिलके अबाउट पॉइंट पी, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट पी. मुझे ये आंसर देगा मास. मास मुझे प्रॉब्लम बता क्या है. मास सो देयर इज अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर 10 meter pivoted as its center, then there is a 5.0 newton weight is attached to one end of the beam, and an empty pan weighing 0.25 is attached to the other end of the beam. Very good. We have to find what is the moment of couple of pivot at the point P. Okay, mujhe bata, what is the moment? मोमेंट क्या होगा? ये जीरो नहीं लिखना इस बार, बोलो मोमेंट पूछ रहे हैं किधर, मोमेंट कितना होगा इक्वल टू व्हाट. तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ 5 न्यूटन अबाउट पॉइंट पी, कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना होगा? 25 इट इज माइनस और प्लस सर? प्लस.
प्लस बिकॉज इट इज एंटी क्लॉक वाइज, मैंने जानबूझ के लिखा है जिससे तुम लोग जरा आंसर. और व्हाट इज मोमेंट ऑफ 0.25 अबाउट दिस अबाउट पॉइंट बी. बोलो व्हाट इज मोमेंट ऑफ 0.25 अबाउट पॉइंट बी, क्योंकि दो ही फोर्स है, दो का मोमेंट लेने पी पे कितना होगा. बोलो बोलो सर. 0.25 इंटू ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक सर. 5 इंटू 5 बट इट इज क्लॉक और एंटी क्लॉक सर. क्लॉक. आर यू श्योर क्लॉक? यस सर. सेम उज़ैन, ये मोमेंट क्लॉक है या एंटी क्लॉक है? इसका फोर्स होगा मोमेंट अबाउट पॉइंट बी क्लॉकवाइज. That's right. And that is equal to 25, 125, 1.25. And that is equal to 23.75. Unit there, Newton into meter. You get force Newton or distance meter. So Newton meter. The first answer. कितना इजी है सर. प्रॉब्लम पढ़ते टाइम हमको डर लगता है कितना बड़ा वेइंग बैलेंस ये वो पढ़ते 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 हम लोग डर जाते हैं कि प्रॉब्लम मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, बट एक्चुअली ये खत्म, प्रॉब्लम खत्म. सेकंड पार्ट ये कॉपी किया सभी ने कॉपी किया बच्चे लोग, प्यारे बच्चों कॉपी किया क्या? Yes, sir. No, sir. Yes or no? Maj? Oh, Maj. No, sir. Okay. Copy kar, jaldi copy kar, beta. I always tell one thing to the students. You should be very fast in copying. Copying me, you should not waste time. Sir, finish. Finished? Okay. Abhi second part dekho. Anybody can read and tell me what is the second part? Aur mujhe apne aap explain karenge sir ye pucha hai. Second part mein sir ye bola hai, ye kar rahe hai kya? Sir easy to hai. Kaun batayega ye? Padh ke batao second part of the problem. Kaun batayega mujhe? Who will take the initiative? Bahut easy hai, bahut easy hai. सेकेंड पार्ट में क्या करनो है? Who will tell me? Who will tell me second part? Who will tell me second part? अरे कोई तो बोल यार. अच्छा रीड कर सेकंड पार्ट. हुसैन हुसैन रीड कर सेकंड पार्ट. सर इफ द पायलट इज शिफ्टेड 2 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट देन व्हाट विल द मोमेंट ऑफ कपल एट न्यू पोजीशन. इफ द पायलट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. हाँ अभी बताओ मेरे को किसको शिफ्ट कर रहे हैं? इसको 0.25 को शिफ्ट कर रहे हैं, 5 को शिफ्ट कर रहे हैं, ये पाइवट को शिफ्ट कर रहे हैं, किसको शिफ्ट कर रहे हैं? सर पाइवट. तो यहाँ पे नया डायग्राम में ये हम मिटा देंगे, यहाँ पे मैं लाल से बनाता हूँ, इसके बदले अभी कहाँ लिखूं 2 मीटर यानी यहाँ पे, और इसका माप हो जाएगा 3 मीटर और यहाँ पे आ जाएगा पाइवट. टेल मी एग्री, टेल मी एग्री ऑर नॉट? यस सर. और वो लोग बोलते हैं आप बताओ कितना मोमेंट होगा, तो टेल मी व्हाट इज द मोमेंट नाउ. सिग्मा एम पी कितना होगा बोलो. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ 5 न्यूटन अबाउट द पॉइंट. बोलो 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 सर. प्लस 5 इनटू दैट इज राइट, प्लस 5 इनटू 3. इस बात समझ में नहीं आई मुझे, इस बात समझ में नहीं आई ओम, ये प्लस क्यों लिखा मैंने? ओम प्लस क्यों लिखा? अच्छा ओम शायद एब्सेंट था. हाँ लेकिन मैंने भेज दिया ये तो रिकॉर्डिंग तो. ओम ओम भाग जाएगा अभी थोड़ी देर में, ओम विल रन अवे फ्रॉम द सीन. हुसैन प्लस क्यों लिखा?
हुसैन प्लस क्यों लिखा? हुसैन अनम्यूट कर और बोल। अरे बोल ना सर, आई डोंट रिमेम्बर। अरे एंटी क्लॉक वाइज है क्या? आई डोंट रिमेम्बर स्टूपिड। एंटी क्लॉक वाइज है, देखना ऐसा मोमेंट पॉजिटिव कब लिखते जब एंटी क्लॉक वाइज हो। देखो प्लस वन इंटू थ्री ऐसे जा रहे हैं ना, इधर मोमेंट ले रहे हैं हम लोग। व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ दिस पॉइंट टू फाइव न्यूटन अपॉन पॉइंट क्लॉक वाइज हो। व्हाट इंटू व्हाट पॉइंट टू फाइव इंटू सेवन, दैट्स राइट। और क्लॉक और एंटी क्लॉक सर नेगेटिव क्लॉक वाइज दिस 15.00 25 सत्ते 175 ना 1.75 और हुसैन हुसैन क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं समझ में आ रहा है आपको? हुसैन समझ में आया तो फिर बोलने का ना यार, और नहीं आ रहा तो मेरे को बोलने का सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। बोलो बिंदास बोलो। शायद आज खत्म करेंगे चैप्टर को, अगली बार नया चैप्टर चालू करेंगे। बहुत वास्ट चैप्टर था ये, वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ पोर्शन फ्रॉम दिस। I am planning to start mechanical properties of solids. बिठाऊं इसको? बिठाऊं क्या? Yes sir. Yes sir. Okay, अगला problem. Actually देखने जाते हैं ना तो एकदम danger लगता है problem. अगर देखने जाओ ना वो problem देखो कैसे दिखा है. विधि जरा starting पढ़ के दिखा अगले problem की. Sir, a uniform wooden plank of mass 30 kg. Exactly. You draw the diagram which is being shown. All of you draw the diagram. डायग्राम बनाया सभी ने? डायग्राम बनाया सभी ने? अरे बच्चों, ओ बच्चे लोग, डायग्राम बनाया क्या? ओके मुझे ऐसा कौन सा स्टूडेंट जो पढ़ के बताएगा सर प्रॉब्लम ये है? सर आप घबराओ मत, प्रॉब्लम बहुत इजी है, ये वाला प्रॉब्लम है। एनीबडी कि मैं बताऊं आपको व्हाट यू प्रिफर? चलो मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ अपने ओन वर्ड्स में।
एंड देन आई विल आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट, मैं बोलूंगा बता प्रॉब्लम क्या है. देखो एक वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक से करते हैं वुडन पाटिया, एक पाटिया है लकड़ी का पाटिया है और 30 किलो का पाटिया है, कितना 30 किलो का, तो उसका वेट कितना होगा 30 × 10, जी को मैंने 10 ले लिया तो दैट मीन 300 न्यूटन, और वेट कहाँ एक्ट करेगा उसके सेंटर पे, 2 मीटर लंबा पाटिया है तो बराबर 300 न्यूटन यहाँ पे सेंटर पे एक्ट कर रहा है. और उसको मैंने 2 केबल से सपोर्ट किया है, नहीं तो पाटिया गिर जाएगा ना, उसको 2 ऐसे केबल लेके उसको बांध दिया है सीलिंग पे ऊपर और पाटिया नीचे लटक रहा है. ऑलराइट, और ये जो है ना ये जो वायर है जिससे सपोर्ट किया है वो मैक्सिमम 500 न्यूटन लोड ले सकती है, उससे ज्यादा होगा तो टूट जाएगी. अगर इसके ऊपर ये मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स कैन बी गिवन इज 500 न्यूटन, उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकता, लेने पे ये टूट जाएगा. तो लेट अस अज्यूम दैट मैक्सिमम 500 न्यूटन है और यहाँ पे 50 किलो का बच्चा खड़ा है, ये 50 किलो से हुसैन दागीना वाला यहाँ सेंटर पे खड़ा था, हुसैन दागीना वाला यहाँ पे सेंटर पे खड़ा था और हुसैन दागीना वाले का वेट 50 किलो है, मतलब मास 50 किलो है, तो वेट कितना हो गया 50 × 10 न्यूटन. अब हुसैन दागीना वाला सेंटर पे था, उसको बोला तू चल चल, ओके चल कहां, सेंटर से किसी भी तरफ चल. वो हमको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर, में ये एक्स पूछा है कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है. पहले तो सवाल उठता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस की लिमिट क्यों है, चलते 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 वहां तक जाएगा तो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या होगा क्या हुसैन को, एनीबडी कैन टेल मी, ज्यादा दूर जाएगा तो क्या होगा, एनीवन the wires could break, wire could break because this force may increase more than 500. 500 तक ये संभाल लेगा हुसैन को वहां पे, लेकिन 500 एक होता है ये टूट जाएगा ट्यू और ये ऐसे हो जाएगा और हुसैन डम 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 नीचे गिर पड़ेगा. We do not want Hussain to fall down. So, we say maximum distance up to which Hussain can travel from center towards any support. Let us say, we have right support and we say x distance and travel. Kiya. Distance should be such that this force cannot exceed more than kitna? Force in the wire newton. Cannot exceed 500 newton. So, we say this is the situation. Now, when a problem padke itna dar lagta hai na apne ko, maximum distance to which this boy can travel. ये तो आने वाले नहीं, अपने को बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. बट यू नो इट इज वेरी सिंपल, डिस्टेंस इज सच दैट दिस बिकम्स 500. अब तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, व्हाट टू डू, क्या करू बोलो, मोमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व. मोमेंट से प्रॉब्लम, टेक मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू. इसका फोर्स हमको पता है ना, तो लेट मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो, खत्म. सिग्मा एम ए इक्वल जीरो करो जरा क्या होगा, सम ऑफ द मोमेंट्स. लेकिन हाँ पहले प्रॉब्लम तो पूछू मैं, एक मिनट. प्रॉब्लम मैं पूछना चाहता हूँ किसको मालूम है, अब की बार मैं हुसैन तुम्ही बताओ, तुम ही चल रहे हो इधर उधर, बताओ प्रॉब्लम क्या है हुसैन, प्रॉब्लम बता क्या है. So there is a wooden plank of mass 300 newton, weight 300 newton. No, mass is not 300 newton. Mass is only 30 kg. Sir, weight. So, weight. Weight is 300 newton. So on the both side of the plank, so there is a support of wire. So support of two wires. So the maximum force wire can take is 500 newton. So sir, there is a boy of 500 newton weight. So it is told that we have to find the maximum distance from. Maximum distance, how far he can walk away from the center of mass. That's right. Lovely answer. I like it. Hussain, you have given a very good answer. Bahut achha answer hai. Abhi hum log lete hain moment about A equal to zero. What is the moment of 300 about A? 300 into kitna? Iska 300 ka moment about A kitna hoga? 300 into? One. One. And clock or anti-clock?
300 into 1 is clock or anti-clock? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अरे क्लॉक और एंटी क्लॉक, ऐसे क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, ये 300 इंटू 1, तो फिर बोलो ना माइनस। क्यों तुम लोग इतना सोचते रहते हो कि बोलू कि नहीं बोलू? अरे रॉन्ग नहीं बोलोगे तो चलेगा, कोई चिल्लाऊंगा नहीं मैं। अरे इट्स नॉट यू, व्हाट अबाउट 500 का मोमेंट अबाउट है? 500 का मोमेंट अबाउट है क्या होवेगा? So, plus x, 1 plus x. 1 plus x will be the moment. Tell me all of you agree? Moment will be 1 plus x. So into 500 into 1 plus x. So, minus, bolo na yaar. Aur plus or minus? Ye to plus hoga na? Wo minus tha. Plus, plus. Ye kya hoga? Ye plus hoga, barabar? Plus. Minus. So, is it about a? Huh? About a, yes. सर क्लॉकवाइज माइनस, तो ये प्लस कौन बोल रहा है? प्लस कौन बोल रहा है? ये ऐसा ही हो रहा, मोमेंट अबाउट ए ले रहा हूं, डी हूं, ऐसा हुसैन प्लस या माइनस? हुसैन थिंकिंग अबाउट ए। हां एंड और क्या बचा? खत्म हो गया? इक्वल जीरो करूं या कुछ और करना है? और करना है कि जीरो कर दो? वेट सर द वेट ऑफ द वायर्स, वेट ऑफ द वायर नहीं, फोर्स इन द वायर। वायर का वेट 500 न्यूटन थोड़ी है, फोर्स इन द वायर इज 500 न्यूटन। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ 500 न्यूटन अबाउट ए? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ 500 न्यूटन? 500 इन टू 2, और देयर इज क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। And that is equal to zero. Yeah, equal to zero. लिखना मत भूलना. Moments equilibrium के लिए zero रखी है. मैं दो zero, दो zero, दो zero. ये cancel कर देते हैं. लफड़ा पहले से ही कम कर देते हैं हम लोग. तो minus three, minus one, minus x. क्योंकि खोलेंगे तो minus, अरे पांच है. Minus पांच, minus पांच x plus दस equal to zero. माइनस तीन माइनस पांच एक्स प्लस दस इक्वल टू जीरो, तो दस में से आठ गया तो दो, तो टू माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बाय फाइव, दैट इज पांचों का बीस 0.4 मीटर, दैट मीन्स यू कैन ट्रेवल मैक्सिमम 0.4 मीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर। हुसैन ज्यादा से ज्यादा इस साइड 0.4 या सेंटर से लेफ्ट इन साइड पे 0.4, उससे ज्यादा ट्रेवल करेगा तो फंस जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। जरा देख लो एकदम अच्छी तरह से, ये डायग्राम कितना डेंजरस लगता था, प्लैंक वुडन प्लैंक ये वो देख के अपनी तो हालत खराब होती थी। बोलो इज दिस क्लियर? एवरीवन हैज अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? प्यारे बच्चे लोग, यस सर। ओके, ऐसा ही एक प्रॉब्लम है 150, हाउ मच डिस्टेंस इट वन कैन ट्रेवल। ओके नंबर 115, ये मिटाओ दू कि एक बार ऐसे रूलर मारू? प्लीज लेट मी नो। जिसके प्रॉब्लम स्ट्रांग होते हैं उसका फिजिक्स स्ट्रांग होता है, वो ध्यान रखना हमेशा। जिसके भी प्रॉब्लम स्ट्रांग उसका फिजिक्स स्ट्रांग। सिंपल इक्वेशन मिटाऊं क्या इसको? मास कॉपी किया? ओम ओम है कि yes, खाली sir. ओम आवाज निकल, यस नो? ओम मेरे ख्याल से चालू करके भाग गया है। ओम मिस्त्री, ओ नो, ओ मिस्त्री नहीं है, देखो उसका मेरे को कुछ इलाज करना पड़ेगा ऐसा लगता है। चलो एनीवे 115 एक प्रॉब्लम छोड़ के उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम विधि पढ़ के बताओ। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन?
So a 2 meter long wooden plank of mass 20 kg is pivoted. बस मेरी कल से हम लोग ये लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे यार, बहुत बोर मार गया इसको करते करते. Don't you agree? All of you are bored with this chapter or no? Search बोलो, search बोलो. विधि बोर हो गई ना इस चैप्टर से? विधि, अफीफ सर, अ लिटिल. सर दिस सर इन 10th इटसेल्फ वी हैड दिस. 10th में भी था आईसीएसई में? यस सर. तो फिर क्यों तुम क्लॉक एंट्री एंटी क्लॉकवाइज में इतना तकलीफ हो रहा था तुम लोग को? कितनी तकलीफ थी तुम लोगों ने क्लॉक एंटी क्लॉक ये सब करने में, कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया यार. चलो, 2 मीटर लॉन्ग, ये 2 मीटर लंबी, ये 2 मीटर लंबी, ओके, और मास 20 kg. मास 20 kg यानी सेंटर पे कितना लिखू? 200 न्यूटन लिखते सर. At 0.5 meter from either end, a person of mass 40 kg starts working. Is pivoting 0.5 meter from either end. Ye 0 meter, ye 2 meter. 0.5 meter pe pivot kiya, ye 0.5 meter, aur idhar se bhi 0.5 meter. To matlab this must be 0.5 yani 1 hai na. ये 2 मीटर है तो 0.5 यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट है 1 मीटर एंड देन दिस इज 1.5 मीटर, यहाँ पे सपोर्ट है. ओके, अ पर्सन ऑफ मास 40 kg स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम वन ऑफ दिस पिवट्स टू द फार्दर एंड. हाउ फार फ्रॉम द पर्सन कैन वॉक बिफोर द पेन टॉपल्स? मास 40 kg, एक मास इज अ पर्सन, इसका मास है 400 न्यूटन, 40 kg ना. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाट द प्रॉब्लम इज. सब लोग लिखना बंद करो, लिखने का बंद करो. एक रॉड थी 2 मीटर लंबी, इसका वेट था 20 kg, यानी मास था 20 kg, यानी वेट कितना होगा? 200 न्यूटन. मैंने जी को 10 ले लिया 9.8 के बदले, और उसको सपोर्ट किया दोनों बॉडी से 0.5 मीटर छोड़ के, उसको सपोर्ट किया है, पाइवोट लगा है. और एक मानुष था जिसके मास वाज स्टैंडिंग, 40 केजी का मास था लेकिन उसका वेट कितना? 400 न्यूटन. ही स्टार्ट्स वर्किंग टू टुवर्ड्स अदर पिवट. तो वो लोग बोलते हैं मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है वो यहाँ से, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस था? अगर यहाँ से ट्रेवल करता तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है? दैट इज व्हाट इज द सिचुएशन. आई होप दैट प्रॉब्लम इज क्लियर. बोलो. यस सर. बोलो, इज द प्रॉब्लम क्लियर? बोलो बच्चे लोग, प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, लेस देन 1 मिनट. बहुत आसान है. व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे इसको रखने का और मोमेंट्स अबाउट ये सेंटर 0 लेने का, इसका डिस्टेंस लेट्स से x है. सपोज चलते चलते मास यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, ये 400 न्यूटन, ये डिस्टेंस है x. तो